सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है जियांग्स का पियानो और इसके साथ ही माइक भी है। ये बोलेगा जियांग्स, बोलो मम्मी। हाँ बेटा, देखो ये है। फ्रेंड्स, ये है आज सुबह का नाश्ता जिसमें मैंने लिए हैं दो पराठे। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, सभी बजे हैं सुबह के 9 और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं उठी थी और बस सुबह का टाइम है, ब्रश वगैरह फ्रेश होना है, उसके बाद करेंगे नाश्ता। आज काफ़ी सारे काम है, देखते हैं कितने उनमें से हो पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रश कर लूँगी। जियांग्स अभी सो ही रहा है, उसको मैंने अभी नहीं उठाया क्योंकि वो उठ जाता है ना फिर मुझे कोई भी काम नहीं करने देता। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ब्रश कर लूँगी और देखते हैं नाश्ते में आज क्या बनाऊँगी। तो जो जियांग्स के पापा कहेंगे वही मैं बना दूँगी आज। उसके बाद हमें जाना है कुछ काम से बाहर। और रात ना मैंने काफ़ी सारा तेल लगाया था अपने सर में और चोटी बना ली थी। अब देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। मैं अभी तक कॉम्ब नहीं किया है, बस ऐसे ही उठ गई हूँ और बस ब्रश करूँगी, यहाँ पे फ्रेश होंगी। उसके बाद जाना है किचन में देखने के लिए कि क्या बनाना है। ब्रश यहाँ पे हो गया है, बस थोड़ी सी ना मैं सुबह सुबह लिपस्टिक लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती क्योंकि अभी ना थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है तो फेस पे, वैसे ही मेरा ऑयली स्किन है तो फेस पे हमेशा ऑयल ऑयल सा ही रहता है। तो मैं क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, यहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक लगाई है ताकि आपको और मैं खुद को अच्छी लग सकूँ। तो बस आ गई थी मैं किचन में, चाय रख दी है मैंने और ये देखो मेरी सिंक ना बर्तन से भरी पड़ी है क्योंकि दो दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और रात मैंने बर्तन नहीं साफ़ किए। मैं हमेशा बर्तन साफ़ करके रसोई क्लीन करके सोती हूँ, बस रात मैंने रसोई क्लीन कर दी थी, बर्तन साफ़ नहीं किए थे क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी बर्तन साफ़ करने की। तो ये सिंक मेरी भरी पड़ी है और अच्छा नहीं लगता ऐसे रात को ना बर्तन छोड़ के सोना, बट क्या करें, तबीयत जब साथ नहीं देती तो सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे सुबह ही सुबह चाय मैंने रख दी है, ये मैं इलायची इसमें ढूंढ रही हूँ। अब तो अदरक डालने का मन नहीं करता, चाय बहुत तेज़ लगती है, अब बस सिंपल इलायची की चाय पीने का मन करता है। तो बस इसमें फिर भी मैं थोड़ा सा अदरक मैं डाल दूँगी क्योंकि रखा था। और उसके बाद बस यहाँ पे इलायची को मैंने कूट के डाल दिया है, दो इलायची इनफ होती है, दो जनों की चाय बनती है क्योंकि जियांग सभी चाय वगैरह नहीं पीता है, उसको मैं दूध ही देती हूँ। तो यहाँ पे चाय रख दी है, चाय में उबाल आ गया है और मैं ना यहीं पी ना, वीडियो में ना आवाज़ नहीं आएगी आपको। जियांग के पापा से पूछ रही थी नाश्ते में मैं क्या बनाऊँ, पास्ता बनाऊँ या पराठे वगैरह जो भी वो कहेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता करके हमें कहीं जाना था, जाना क्या था बेसिकली डॉक्टर के यहाँ जाना था क्योंकि ये बुखार वगैरह आया हुआ था, बड़ी दिक्कत होती है उसमें। तो फिर मैंने यहाँ फटाफट से आटा गूंद लिया और नीचे से डस्टर से बिछा लूँगी मैं ताकि ये जो मेरा चकला बेलन है इसके ऊपर मैं रख सकूँ। और बस मैं बार बार जियांग्स के पापा से कुछ बात कर रही थी तो वही मैं उनको देख रही हूँ यहाँ पे बार बार। और फटाफट से बस यहाँ पे पराठे बना के रेडी कर लूँगी मैं।
गर्मा गर्म पराठे खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। तो मैं यहाँ पे जैसे पराठे दो मेरे बन जाएंगे, मैं जैंस के पापा को चाय डाल के मैंने दे दी थी, और बस फटाफट से नाश्ता हम यहाँ पे कर लेंगे। दो तीन कप ही मैंने धोए थे क्योंकि कप भी नहीं थे, तो कप मैंने साफ़ करके रख लिए थे चाय पीने के लिए। मैं पराठे यहाँ पे अपने लिए भी बना लूँगी और जैंस के पापा के लिए भी। हमेशा हम ना ये चकोर वाले पराठे ही बनाते हैं क्योंकि हम दोनों को ना यही पराठे अच्छे लगते हैं जो लेयर्स होती है ना हल्की सी इसमें। और पराठे यहाँ पे बन जाएंगे, फिर देखेंगे और कोई काम। और बस जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। फेस भी आप मेरा देख सकते हो, काफ़ी दिन से ना फीवर आया हुआ है और उठे नहीं जाता। बस ऐसे लगता है लेट ही रहूँ, कुछ काम नहीं करने का मन करता, बट थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी है वो मैं कर लूँगी, सुबह सुबह का काम है। और व्लॉग्स भी ना मेरे इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि जब तबीयत ही साथ नहीं देती ना तो मन नहीं करता ट्राईपॉड उठाने का, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को शूट करने में। और देखने में तो बड़ा आसान होता है सभी के लिए, मेरे लिए भी सबकी वीडियो, लेकिन जब हम उस वीडियो को बनाते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम मेहनत जाती है बहुत ज़्यादा। तो वही है कि तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा, आजकल सब कुछ ठप पड़ा है काम। तो यहाँ पे सेकंड पराठा भी मैंने तवे पे डाल दिया है, चाय भी मेरी ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बस इसको एक और उबाल मैं दूंगी और जहाँ उसके पापा को चाय मैं दे दूंगी गर्मा गर्म पीने के लिए, अपने लिए मैं बाद में पीऊँगी। सुबह का नाश्ता जिसमें मैंने लिए हैं दो पराठे और चाय है। चलो नाश्ता करते हैं उसके बाद देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी चाय नाश्ता सब हो गया है और अभी जियांस के पापा ना कुछ काम गए हैं बाहर, तो जियांस को ना बहुत मुश्किल से मैंने चुप कराया, बहुत रो रहा था, पापा के साथ जाने की जिद कर रहा था। तो इसे इसका पियानो मैंने निकाल के दिया है यहाँ पे ताकि खेल ले इसका। हम ना एक अभी मेला लगा था, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई यहाँ का, दादा पीर का लास्ट ईयर भी मैंने आपको दिखाया था मेले में, तो वहाँ से इसके बहुत सारे हम टॉयज लेके आए थे, तो वहाँ से पियानो भी लाए थे, तो वो मैं दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये है जियांस का पियानो और इसके साथ ये माइक भी है, इसमें ये बोलेगा। जियांस बोलो मम्मी। हाँ बेटा, देखो ये ऐसे बस। क्या चाहिए बुबू जी? ये फ्रेंड्स 2 बज गए हैं और यहाँ देखो मैंने खाने में बनाई है आलू और टमाटर की सब्जी जो कि ऑलमोस्ट बनी गई है। ये आलू टमाटर की सब्जी है और बहुत दिनों से मन कर रहा था कुछ चटपटा सा भंडारा टाइप जो सब्जी होती है ना वो वाली खाने का, तो इस तरह से बनाने की कोशिश की। अभी और पकेगी तो और गाढ़ी होगी, टेस्ट तो अभी तक वैसा ही है थोड़ा थोड़ा। इसके साथ मैंने चावल बनाए हैं, पूरी ज़्यादा ऑयली हो जाएगा फिर, और यहाँ पे चावल बन रहे हैं, ये चावलों में बनने वाले हैं।